नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार समस्त विद्यालयों में छात्र छात्राएं एवं शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जानी है और यह कार्य विद्यालय प्रमुख के द्वारा किया जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे संस्था प्रमुख अपने विद्यालय के छात्र छात्राएँ एवं शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने एम शिक्षा मित्र ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप ये जो सबसे नीचे एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा हाजिरी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पुनः आपके सामने कई सारे ऑप्शन प्रदर्शित हो जाएंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है छात्र, यानी कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति इस ऑप्शन से दर्ज की जाएगी। दूसरे नंबर पर है शिक्षक, इस ऑप्शन के माध्यम से शिक्षक साथियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दर्ज होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय में संचालित कक्षाएं आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। अब आपको जिस कक्षा के विद्यालयों की उपस्थिति दर्ज करना है उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे कक्षा 4 के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है, तो मैं यह ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने दिनांक प्रदर्शित होगी, आप ओके पर क्लिक कर दें। तो संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। जैसे ही सूची प्रदर्शित होगी तो इसमें समस्त छात्र छात्राओं की उपस्थिति आपको, यानी कि सभी छात्र आपको उपस्थित दर्ज मिलेंगे। उनके नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उपस्थिति, उसमें राइट का टिक लगा मिलेगा। अब आपको करना यहाँ पर ये है, मान लीजिए कोई छात्र छात्रा अनुपस्थित है तो आपको ये जो उपस्थिति पर राइट टिक दिख रहा है इसी पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से संबंधित जो छात्र है या जो छात्रा है वह अनुपस्थित हो जाएगी। तो मान लीजिए मैंने इन दो बच्चों को अनुपस्थित कर दिया है, तो उसके बाद आप आगे की प्रोसेस करें। ये जो येलो कलर में एरो दिख रहा है इसको आप क्लिक कर दें। तो आप देखा छात्रों की उपस्थिति, कक्षा 4 छात्रों की उपस्थिति, बालिका जैसे मान लीजिए 8 है, उनमें से एक अनुपस्थित है, बालक 9 है, एक अनुपस्थित है। इस तरीके से सबसे नीचे आपको ऑप्शन भी दिख जाएगा उपस्थिति दर्ज करें। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके कक्षा 4 की या आपकी जो भी कक्षा है बारी बारी से समस्त कक्षाओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं शिक्षक साथियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है शिक्षक, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आपको ये जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आना दर्ज करें, जाना दर्ज करें, इन पर आपको कार्य नहीं करना है। आपको शिक्षकों की उपस्थिति, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है यानी कि राइट साइड से पहला, आपको इससे ही शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करनी है। चलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सूची आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी और अभी समस्त शिक्षकों की उपस्थिति वाले कॉलम पर टिक रहेगा। अब जो भी संबंधित शिक्षक अनुपस्थित है, मान लीजिए मेरे विद्यालय में यह शिक्षक साथी अनुपस्थित हैं, तो मैं इनके अनुपस्थित वाले कॉलम पर क्लिक करूँगा। जैसे हम क्लिक करेंगे पुनः एक नई जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी, लीव टाइप यानी कि छुट्टी का प्रकार आप चुन लें। जैसे मान लीजिए संबंधित शिक्षक साथी CL पर है तो मैंने यह सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको कब से कब तक है, तो मान लीजिए आज, जैसे आज दिनांक मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कब तक, तो जितने दिवस के उन्होंने अवकाश लिया है, जो भी CL एप्लीकेशन इनकी स्वीकृत है उस हिसाब से आप डेट यहाँ सिलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये अपडेट कर दिया है, तो अब एक शिक्षक साथी CL और अनुपस्थित दिखा रहा है। तो आप नीचे आगे बढ़ें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे शाला में कुल पदस्थ शिक्षक 18, उपस्थित शिक्षकों की संख्या 17, अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या 1। तो इस तरीके से आप शिक्षक साथियों की जो उपस्थिति है वह दर्ज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप छात्र छात्राओं की और कैसे आप शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो समस्त संस्था प्रमुख काफ़ी सावधानी पूर्वक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो कि शिक्षक एवं छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति से संबंधित थी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।